विश्वेशम सच्चिदानंदम वंदेहम योखिलम जगत चरी करती बरी भरती संजरी हरती लीलया। सर्वेभ्यः नमस्कारोमि हम अहमस्मि मंथन भट्टः। अधुना वयम् फिजिक्स पश्याम। सो पिछले बहुत सारे सेशंस से एक ही बातों पर हम बात कर रहे हैं, गॉस लॉ। सो लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज के गॉस लॉ होता है टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल ऑफ और क्लोज इंटीग्रल ऑफ के एप्सिलॉन नॉट ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ क्यू एन। और सारी टर्मिनोलॉजी क्या है वो क्लियर है। गॉस लॉ में हमने दो एप्लीकेशन किए हैं, टोटल चार है, हमने दो एप्लीकेशन किए हैं, सिलेबस में चार है, ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो वो दो एप्लीकेशन कौन से किए? फर्स्ट हमने स्फीयर के लिए किया कि चार्ज स्फीयर होगा, सो सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन के एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर ऑफ चार्ज स्फीयर। एंड द सेकेंड इज इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज सिलेंडर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज सिलेंडर लैम्डा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट टू पाई स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एट विच वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ चार्ज सिलेंडर, थिन चार्ज सिलेंडर। वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया कूलम पर मीटर स्क्वायर। एंड लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ कूलम पर मीटर। सो वी आर डन विथ इट, वो दो सेशन में हो चुका है इसके पहले के। सो नाउ वी आर इन द थर्ड सेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें जस्ट आउटसाइड चार्ज बॉडी ऑफ एनी शेप, कोई भी रैंडम शेप हो, समझो पत्थर है उसको आपने चार्ज दिया, कोई भी बॉडी है, ये कोई भी रैंडम शेप है, नॉट नेसेसरी कि वो रेगुलर हो, कोई भी रेगुलर शेप है उसके जस्ट आउटसाइड, क्योंकि दूर जाएंगे तो वो प्रभाव कम होता जाएगा, दूर जाएंगे मतलब वो चार्ज की विसिनिटी से जैसे जैसे दूर जाएंगे, वो चार्ज के रेंज से जैसे जैसे दूर जाएंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज से जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और ऑफ कोर्स कुछ पॉइंट के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो वी नीड टू फाइंड जस्ट आउटसाइड कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड चार्ज बॉडी ऑफ एनी शेप। सो हमने कोई भी एक रैंडम शेप बनाया है, या कोई भी एक रैंडम शेप बना दिया ये व्हाइट चौक से, और उसको ये येलो चौक से ये जो है वो टोटल चार्ज दे दिया। तो क्यू क्या है? टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। क्यू क्या है? टोटल चार्ज ऑन द इरेगुलर चार्ज बॉडी ऑफ एनी शेप। और हमने छोटा सा एरिया कंसिडर किया है, बिकॉज अभी तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करते हैं, हर बार हम ds कंसिडर करते हैं, और ds वेक्टर होता है अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो नॉर्मल वेक्टर या तो एरियल वेक्टर जिसे हम कहते हैं वो है ds। तो एक गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है, ये जो इरेगुलर चार्ज बॉडी है उसका कुछ एरिया होगा, टोटल एरिया होगा, ऑफ कोर्स सरफेस एरिया होगा, बट वी आर जस्ट कंसिडरिंग अ वेरी स्मॉल एरिया ds, फाइन। और इस स्मॉल एरिया ds में जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो होगा q in, क्लोज इंटीग्रल ऑफ k एप्सिलॉन नॉट e ds cos थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ q in, में ये जो q in वाला पार्ट है वो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना वो हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो q in ऐसा ही बोलते हैं उसे, कितना q in, और एरिया कितना है वो गॉसियन, ये स्मॉल एरिया कितना है ds, वो गॉसियन सिलेंडर के अंदर जो ये सरफेस के अक्रॉस स्मॉल एरिया कितना लिया है ds। तो ये नॉर्मल वेक्टर तो ऑफ कोर्स उसको परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव चार्ज से कैसा जाएगा परपेंडिकुलर जाएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज गोइंग आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गोइंग outward from the positive charge and leaving the surface normally, मतलब perpendicular, और ये ds जो surface को perpendicular होता है हमेशा, as usual वापस दोनों vector e bar और ds bar कैसे हो गए parallel, अगर वो दोनों parallel हो गए तो theta zero, theta zero cos zero one, तो ये term कितनी हो जाएगी one हो जाएगी, तो उसे लिखेंगे close integral k epsilon naught e ds into one, मतलब क्लोज इंटीग्रल के एप्सिलॉन नॉट ई डी एस, और गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है क्यू इन लिखते हैं, क्या लिखते हैं क्यू इन लिखते हैं। इंटीग्रल किसको करना है, इंटीग्रेट किसको करना है, डीएस को करना है, स्मॉल एरिया जो है वो डीएस को इंटीग्रेट करना है। तो के एप्सिलॉन नॉट ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएस इज इक्वल टू क्यू इन लिखते हैं, समेशन ऑफ क्यू इन। लेकिन जैसे प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि रेशियो सेम होता है,
आप 100/4 लो के 50/2 लो के फिर 25 लो। मैंने 100/8 बोला होगा, 100/8 लो के फिर 50/4 लो, 25/2 लो, आंसर तो आएगा 12.5। या तो जो भी रेशियो है ना वो रेशियो सेम रहेगा, कि 7/2 है उसको 14/4 भी लिख सकते हैं और 21/6 भी लिख सकते हैं, कैसे वो रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कूलम पर मीटर स्क्वायर में इज इक्वल्स टू स्मॉल चार्ज इन इन दिस रीजन, जो चार्ज होगा क्यू इन डिवाइडेड बाय दिस मच एरिया, वो रेशियो सेम रहेगा। गेटिंग इट? हाँ, अमाउंट कम होगा, मैग्नीट्यूड कम होगा। क्यों ये अमाउंट कम होगा? क्योंकि ये जगह कम है, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा होगा क्योंकि ये जगह ज्यादा है, एरिया ज्यादा है। जैसे कि एक रूम है, समझो ऐसा बोला कि 10 मीटर क्यूब है, 10 मीटर क्यूब में 10 लीटर पानी है, ऐसा अगर बोला एग्जाम्पल, 10 मीटर क्यूब में 10 लीटर पानी है, रैंडम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 5 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? 5 लीटर पानी होगा, 2 मीटर क्यूब में 2 लीटर पानी होगा, लेकिन रेशियो सेम रहेगा, अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो वैसे ही अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया सेम रहेगा, तो क्यू इन बाई डी एस लिख दिया इसको, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एरिया, मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, कैन बी रिटन एज क्यू इन बाई डी एस स्मॉल एरिया। तो क्यू इन को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? क्यू इन को यहाँ पर लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डी एस। क्यू इन को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू डी एस। और ये जो गॉसियन सरफेस है उसका टोटल एरिया लेते हैं, ये ध्यान में रखो, और वो गॉसियन सरफेस ये इतना ही कंसिडर किया है, इतने में ही कंसिडर किया है, तो उतने का टोटल एरिया कितना है? ये जो है वो डी एस, तो इसको मैं डी एस ही लिखता हूँ क्योंकि वही तो टोटल एरिया है गॉसियन सरफेस के अक्रॉस जो आ रहा है वो, ठीक है। और ये हो गया के एप्सिलॉन नॉट ई, और ये जो क्यू इन है इसको यहां पर अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा सिग्मा डीएस, क्लियर। अब डीएस डीएस देखो कैंसिल हो जाएगा, डीएस डीएस कैंसिल हो जाएगा, तो ई क्या बचेगा? ई बचेगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ई क्या बचेगा? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। और फॉर एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस के कितना होता है भाई? 1 होता है, तो ई हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टर चार्ज बॉडी ऑफ एनी रैंडम शेप। अगर आपको ध्यान में हो स्फीयर के लिए जो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन के एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन के एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर में, अगर स्मॉल आर कैपिटल आर हो जाए मतलब जस्ट आउटसाइड, मतलब वो पॉइंट ऑन द स्फीयर हो जाए, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और हमें एक्सप्रेशन मिलता है सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। अगर ध्यान हो तो ये हमने डिस्कस किया है। सो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट ही बोलते हैं, जनरल फॉर्मूला ही बोलते हैं, इन केस अगर के 1 हुआ तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अदरवाइज सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड बॉडी ऑफ एनी शेप, चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना? सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। तदेजति तन्नयति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः।